गाइस, गुड मॉर्निंग. अनदर वीडियो एंड फाइनली ये ट्रैवल वीडियो है. हम लोग आज ये टेस्टिंग वाला है, मतलब मानवी को लेके. यस, वी हैव केप्ट आवर गर्ल नेम एज मानवी. एक सब्सक्राइबर ने भी सजेस्ट किया था एंड वी लाइक इट, सो हमने रख लिया मनीष और पल्लवी. MAN, मनीष का फर्स्ट पार्ट और पल्लवी का लास्ट पार्ट मिला के मानवी. तो मानवी को लेके जा रहे हैं आज फर्स्ट रोड ट्रिप पे. आसपास से जाएंगे, ज़्यादा नहीं, अराउंड 100 टू 150 किलोमीटर्स टारगेट रखे हैं. सो अभी कोलार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर के पास से ही होस्कोटे का टोल गेट क्रॉस करके कोलार, और फिर कोलार के आसपास देखते हैं. पहले तो सोचे थे कि यालागिरी जाएंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया है 9:30, और फिर अगर हम सिटी के थ्रू अगर होसूर निकलेंगे तो हम फंस जाएंगे. सो लेट्स सी, अगर कोई दूसरा रास्ता है हम लोग कोलार तक जाते हैं, और फिर अगर दूसरा रास्ता है तो हम लोग यालागिरी ट्राई करेंगे. हम लोग को रोड कंडीशन का पता नहीं, बट लेट्स सी. तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. दूध वूध पिला दिया, थोड़ा सा टाइम लगा. मतलब पहले अगर 2 घंटा लगता था हम लोग को निकलने के लिए घर से, अभी 3 घंटा लगता है. तो आज हम लोग कितने महीने बाद निकले हैं? ऑलमोस्ट, वैसे तो तुम्हारी प्रेगनेंसी को 10 महीने हो गए. 9-10 महीने, वही जब हम लोग मई में आए थे यहाँ पर, उसके बाद से अब निकल रहे हैं. लेकिन बीच में एक बार ट्रैवल के लिए गए थे सुला वाइनयार्ड, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल ट्रिप. तो ये भी एक टेस्टिंग ट्रिप है, और आपको बताएंगे कि हम अगले वीक कहाँ जा रहे हैं. एक लंबी ट्रिप है, सो अभी के लिए टेस्टिंग है, देखते हैं कि एवरीथिंग इज गुड. क्योंकि उस वाले ट्रिप में हमारे कुत्ते भी जाएंगे साथ में, और जो ने समुद्र नहीं देखा है, सो जस्ट लाइक जो मूवी थी चार्ली, सो चार्ली में उसको बर्फ नहीं दिखा था, बर्फ देखने था. हमारा जो है वो पानी देख के ना, मतलब कहीं भी हो छलांग मार देगा, कूद जाएगा, कहेगा अरे वाह, उसको पानी बहुत पसंद है, प्रेम है उससे. तो इसलिए उसको हम लोग किसी समुद्र तट पे ले जाएंगे. तो आपको बताते हैं कहाँ ले जाएंगे. फिलहाल आप ये वाला है ट्रिप एंजॉय कीजिए. तो ये वाला हाईवे नंबर 75 पे क्रूज कर रहा है, बैंगलोर टू जो तिरुपति वाला हाईवे है. सो अप टू कोलार हम लोग जाएंगे इस रोड पे, उसके बाद दिखाते हैं कि कहाँ जाते हैं. गर्मी बहुत भयंकर हो गई है बैंगलोर में, और मस्त धूप. कोलार यहाँ से 28 किलोमीटर. वैसे हम लोग ने यहाँ से यालागिरी का मैप लगा दिया है, और दिखा रहा है कि 177 किलोमीटर अंदर अंदर कोई रोड है. होपफुली अच्छा हो, या तो सिंगल रोड ही होगा गांव गांव से होते हुए. विल ट्राई दैट. वैसे आप लोग सब जानते हैं कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुआ, और अभी 1 मंथ कंप्लीट होने को है. एंड मैं पूरा मतलब यू नो बैक ऑन माई फीट, मैं सब काम कर सक रही हूँ. जो भी सी सेक्शन का एक मिथ है कि एक महीना आप उठ नहीं सकते हो, चल नहीं पाते हो, ट्रैवल नहीं कर पाते हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, सो मेरे साथ जस्ट 1 वीक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहा, हैवीनेस रहा, बट उस 1 वीक पे भी मैं अपना सब कुछ काम कर रही थी, बच्चे का काम भी कर रही थी. तो जो सब लोग बोलते हैं कि अरे सी सेक्शन बहुत मतलब तकलीफ होती है बाद में जाके, एंड यू विल बी बेड रिडन एंड ऑल, सो ऐसा कुछ नहीं है. बहुत आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है. इवन जो मेरा स्कार भी है जहाँ पे कट लगा है वो भी नहीं दिखता, वो एकदम पूरा स्टमक और जो पेल्विक बोन का जो एक लाइनिंग है ना वहाँ पे है, और वो दिखता भी नहीं है. सो देखिए, अभी मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, और अभी लॉन्ग ट्रिप भी प्लान है नेक्स्ट वीक. सो लेट्स सी, होपफुली ऑल गोस वेल. सो अभी आगे आएगा मूलबगल. सो मूलबगल में मूलबगल डोसा खाएंगे, तो देखते हैं फेमस कौन सी शॉप है मूलबगल में, वहीं पे खाएंगे जाके. कोलार पहुंच चुके हैं. सो कोलार होर्डिंग था, वेलकम टू द मिल्क एंड सिल्क सिटी. कोलार तो एक्चुअली गोल्ड फील्ड्स के लिए फेमस है, बट यहाँ पे मिल्क और सिल्क भी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है. सो लिखा हुआ था मिल्क एंड सिल्क सिटी कोलार.
सो कोलार से 30 किलोमीटर्स है मूल बगल, जहाँ पे मनीष ने जैसे बताया कि डोसा मिलता है अच्छा. सो भूख तो लगी है तगड़ी वाली. सो लेट्स सी मूल बगल डोसा सही में वर्थ है कि नहीं. धीरे धीरे उठ रही है. हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और मैडम थोड़ी ना सोई रहेगी, उसका भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है. वैसे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर ली थी 8 बजे, अब फिर से उसका टाइम हो गया. देखिए सब 10:30 हो गया. सो एवरी 2 to 3 hours में फीड करना होता है. सो उठ रही है अभी धीरे धीरे. जल्दी पहुँचाओ नहीं तो पूरा चिल्लाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे. रोविंग बेबी है और अपनी जो गाड़ी है उसमें तो ये नहीं रोने वाली, ये भी बिल्कुल हमारी जैसी है. चलो दब दो अभी, आगे खाते हैं आराम से. फिर सो गए. सो मतलब गाड़ी ऐसे वो हिल रही है ना, तो उसको अच्छा लग रहा है, तो हिलते हिलते सो जा रही है. नहीं तो बाप रे बाप, घर में 2 दिन तो परेशान कर दी थी उसको. एक्चुअली रैशेस हो गए हैं नीचे, तो एक दिन तो इतना रोए, फिर बाद में पता चला कि रैशेस हो रखे हैं. तो अभी क्रीम व्रीम लगाया है, रैश वाला क्रीम जो है, जिंक ऑक्साइड जार जिसमें रहता है. सो थोड़ा 2 दिन हम लोग ने खुला भी रखा उसको, डायपर नहीं पहनाया. अब होपफुली ठीक हो जाए, लेकिन बहुत नॉटी हो गई है. मतलब अभी मिल्क जब चाहिए होता है, मतलब भूख जब लगती है इतना चिल्लाती है. और मतलब चेंज हो रहा है, जैसे फर्स्ट वीक में तो ज़्यादा नहीं रो रही थी, लेकिन अभी बहुत रोना वोना शुरू कर दिया. मतलब वो हो जाती है, जिद पे आ जाती है कि दो मुझे चाहिए चाहिए. और पॉटी भी कर लेगी तो चिल्लाएगी. टीयर ग्लैंड्स भी बन गया, अभी आंसू निकलने लगे हैं उसको, पहले नहीं निकलते थे. अभी 4 वीक्स, कल 4 वीक्स कम्प्लीट हो जाएगा उसको. मूल बगल 3 किलोमीटर. सो हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट पे लगाया है मैप को, तो वहाँ जाके मूल बगल डोसा खाते हैं. वैसे मूल बगल डोसा मैंने अभी पढ़ा कि फेमस है क्योंकि वो स्टीम करके भी बनाया जाता है और उसको फिर रोस्ट भी किया जाता है. डोसा भी होता है बट काइंड ऑफ टेक्सचर आपम का होता है, थोड़ा सा थिक क्रस्ट में रहता है. लेट्स सी. हाँ मतलब बीच का थोड़ा सा मोटा होता है, फिर साइड साइड पतला होता है, ऐसा कुछ है. अब खा के पता चलेगा कैसा है. सो हम लोग को नीचे जाना है. एक्चुअली यालागिरी के लिए रास्ता नीचे से है, फ्लाईओवर के नीचे से, लेकिन हम लोग अभी मूल बगल में डोसा खाने जा रहे हैं फर्स्ट. तो हम लोग आगे जाके पहले डोसा खा लेते हैं और फिर वापस आके नीचे फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग को राइट लेना है. In 500 meters, you will arrive in your destination. Mool Bagal Dosa Corner. आगे ही होगा. वो देखो दिख गया. दानहोन. नहीं नहीं Dosa Corner. चलो. भैया Mool Bagal Dosa क्यों famous है? वो Dosa. दूसरी Dosa. भैया ने बताया कि Mool Bagal Dosa जो है एक साइड सॉफ्ट रहता है, एक साइड क्रिस्पी रहता है. अगर नॉर्मल डोसा में तो दोनों साइड ही क्रिस्पी रहता है, यहाँ पे एक साइड सॉफ्ट रहता है बोलते हैं. तो यहाँ बना रहे हैं क्या, और साइज छोटा रहता है. तुमने क्या क्या ऑर्डर किया? 4 मसाला डोसा और 2 अनियन. बोला है अनियन स्पाइसी होता है, तो 4 मसाला डोसा नॉर्मल और 2 अनियन. तो अनियन स्पाइसी है, खा के देखते हैं. तो आपने देखा डोसा कैसे बन रहा है. छोटा तवा दे रहे, बड़ा तवा में नहीं है. छोटे वाले जो ऑमलेट वाले तवा होते हैं ना, उसमें कास्ट आयरन का है, उसमें डोसा बैटर रख के उससे फिर ढक देते हैं. ऐसा बन रहा है, छोटा है साइज में. तो चलिए जब तक हमारा डोसा रेडी होता है, मैं मानवी को दूध पिला के आती हूँ. वो भी उठ गई है, तो फिर लेके आना. मैं लेके आता हूँ. ये देखो ढका है. सो मान भी जग गई है, तो उसके लिए दुद्धू बना लेते हैं. हाँ उठो उठो भाई, उठो 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 उठो. मिड डे मील करने का टाइम हो गया है, उठो.
तो ये है मानवी का डायपर बैग, इसमें सब हगीज है, मतलब डायपर है, गर्म पानी है, फॉर्मूला मिल्क है, उसके कपड़े हैं, और ये मैंने बना लिया उसका 60 ml, तो इसको पिला देती हूँ, उसके बाद फिर अपना देती हूँ, ब्रेस्ट फिट कराती हूँ। आ गया हमारा डोसा। अरे वाह, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। सही है, बहुत ही टेस्टी डोसा है, क्रिस्पी है और खाने में लाजवाब। तो ये अनियन डोसा बन रहा है। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी है। आपने खा लिया? मैं खा लिया। अरे तो आपका ये तो ये उठाइए, क्या है ये? ये है अनियन। अच्छा, इतना है। हाँ नहीं, एक हम लोग खा लेंगे, एक आप और मम्मी खाइए। ठीक है। हाँ। उठोगी? यार उठो। उठो उठो उठो। अरे उठो। सब खोलो तभी तो उठेगी, याद है? उठो भाई, गाड़ी पे उठो भाई, सब पूरा खोल दो तब उठेगी। उठो, गर्मी लग रही है उसको। इन इन मैडम का हुआ कि नहीं हुआ? सोते सोते पी रहे हैं, मतलब घर में तो उठ जाती है, लेकिन गाड़ी में देखो खाली सोना हुआ। गाड़ी में बच्चों को तो नींद आती है, हम ही लोगों को नींद आ जाती है, अगर हम लोग ना ड्राइविंग कर रहे हो, पीछे बैठे हो तो गाड़ी में नींद आ जाएगी। चलो डायपर चेंज कर दे, उसके बाद बर्फ करा देते हैं। हाँ चलो, नहीं पहले बर्फ करा लो, बर्फ कराते समय नीचे से भी बर्फ करती है। टाइपर दो बार गर्म करा हो जाएगा। फरवरी का महीना और देखिए कर्नाटका में टेम्परेचर 38 degrees Celsius आउटसाइड। बाप रे बाप, बोलते हैं पापा बाहर बाप रे बहुत गर्मी है, मतलब वो वाली गर्मी नहीं है जिसमें पसीना है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी वाली है तो वो गर्मी है। लड़की सिंक्रोनाइज़ पहले ये लगा देते हैं ताकि कुछ अगर गंदी गंदगी गिरे। अब करो जो करना है। उसका नींद ही नहीं छोड़ा, पूरा नींद में। आज तो पूरा नींद में आए हुआ। खाना पीना डन, सुसु पॉटी डन, अब ये लगा दिया है जस्ट इन केस कभी अगर स्पिल आउट हो जाता है। और अभी फुल नींद में, बाप रे बाप, उठ ही नहीं रही है। देखो कुंभकर्ण की नींद लेके आई है, रात को परेशान कर रही है। लेकिन तुम ये देखो, वो कह रही है कि आई एम द रोविंग बेबी, तुम जहाँ जहाँ चलो हम तुम्हें कोई परेशान रास्ते में नहीं करेंगे। टेस्ट पर प्रूफ कर दिया वो। हाँ बिल्कुल, अपना सोती हुई चलेगी पूरे रास्ते। टुडे लास्ट 2 hours शी वाज स्लीपिंग लाइक इट, शी स्लीपिंग इन द हाउस। चलो ट्रांसफर टू नानी। ये हो गया शिपमेंट डन, प्रोडक्ट पैकिंग एंड शिपमेंट डन। चलिए टैक्सिंग कर रहे हैं, पुल ओवर टू द हाईवे और फिर हम लोग की जर्नी स्टार्ट। सो अभी अभी से 3 घंटा तुम्हारे पास है, 3 घंटे में पहुंचा दो। पहुंच जाए 3 घंटे? ढाई से 3 घंटा। 3 घंटे में तो येलागिरी पहुंच जाओगी, 2 घंटा 45 मिनट बता रहा है, लेकिन रास्ते में अंबर पड़ेगा। अंबर नहीं, अंबूर। अंबूर बोलो, अंबर बोलो, लेकिन अपने को तो वो था अंबर वर्ड अच्छा लगता है, अदर वर्ड डजंट लुक गुड। सो एनीवेज, वहां पर बिरयानी खाते हैं, फेमस, वर्ल्ड फेमस अंबर बिरयानी, और फिर आगे डाबेंगे, तब तक खाने का टाइम भी हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने हल्का डोसा खाया, लेकिन डोसा इतना टेस्टी था, मेरे को और मन कर रहा था, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगी खाने के लिए। अभी तो पता चल गया ना, यहाँ अपने घर से निकलो मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट पहुंच जाते हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा डोसा तो बैंगलोर में भी नहीं मिलता है। नहीं होगा जरूर इसका जो टेस्ट है, ये मुख बगल डोसा तुमने भी खाया नहीं है, वहाँ पर कहीं बैंगलोर में होगा उसकी जगह। दोस्तों आप लोग अगर जो लोग भी बैंगलोर से, बताइएगा कोई अच्छा फेमस रेस्टोरेंट जो मुल बगल डोसा देता हो बैंगलोर में, तो बिल्कुल। सो हम लोग बैंगलोर से ऐसे गए, वहाँ पे मूंग बगल डोसा है, अभी नीचे यू टर्न लेके इस रोड पे जा रहे हैं। सो ये निकलेगा दूसरे साइड पे, यालागिरी का रोड है ये, यहाँ से अभी दिखा रहा है यालागिरी कितना, 2 hours 32 minutes 117 किलोमीटर, और ये जाएगा यहाँ से
कर्नाटका आंध्र प्रदेश बॉर्डर निलायम होते हुए राममूर्ति गरी निलायम और फिर ये जाएगा फैंसी फ्रूट अंबर कहाँ गया। हम मैप यहाँ पे लगा देंगे आप लोग की सुविधा के लिए। सो सिंगल रोड है लेकिन रोड कंडीशन अच्छा है, कोई गड्ढे वड्ढे इतने है नहीं। और वैसे मानवी के लिए हम लोग ने कार सीट ऑर्डर किया है लव लैब का इन्फेंट कार सीट, तो नेक्स्ट ट्रिप में कार सीट लगाएंगे, इस बार तो नहीं लगा पाए इसलिए ऐसे ही ला रहे हैं। और ये देखिए भानुमती का पिटारा के जगह में अभी डायपर बैग। दोनों तरफ मैंगो ट्रीज है और मैंगो ट्रीज में फ्लावर्स निकल आए हैं सभी, बस और दो तीन महीना और फिर फ्रेश मैंगोस खाने को मिलेंगे। सो बैंगलोर में भी मैंगोस काफी फेमस है आई गेस। यहाँ पर ना यहाँ भी कौन सी होती होगी, मल्लिका, मल्लिका और वो बंगन पल्ली और भी है बहुत सारी, लंगड़ा यहाँ भी है, बोर आ गई है, बोर आ गई है। सो फिर से मलिहाबाद चलेंगे, सो अंदर वाली रोड भैया ने मना किया ऑटो वाले भैया ने, तो इसलिए हम लोग जो गूगल मैप्स बता रहा था उसी रोड पे जा रहे हैं। रास्ता तो छोटा होते आ रहा है, आगे से वी है, स्ट्रेट जाके वापस आना है। सो हम लोग अभी आंध्रा में एंटर कर रहे हैं, ये देखिए बॉर्डर बॉर्डर पे चल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो ये अभी हम लोग कर्नाटका से आंध्र में घुस गए हैं, पीछे भी आंध्रा में घुसे थे पहले है ना। हाँ मतलब घुस रहे निकल रहे घुस रहे निकल रहे ऐसा टाइप था, बॉर्डर भी है इधर मूल बगल इधर चित्तूर वाला डिस्ट्रिक्ट। एक्सीडेंट हुआ है, ये है पाला मानेर रोड, यहाँ से इस पॉइंट से लेफ्ट टर्न है। सब एपी की ऑटो रिक्शा है, आंध्र प्रदेश में ही है अभी। आगे जाके अभी हम लोग तमिलनाडु एंटर करेंगे। तो ये फॉरेस्ट एरिया में हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं, चेक पोस्ट था नया कनेरी करके एक जगह का नाम है, तो अभी जंगल के बीच से होके जाएंगे। यहाँ से हम लोग उतर रहे हैं, एक दिन में हम लोगों ने दो स्टेट क्रॉस किए, कर्नाटका में तो थे ही आंध्र और अभी तमिलनाडु। ओ सामने देखो क्या सीन है मस्त। तो यहाँ पे अभी हेयरपिन बैंड्स शुरू हो गए, चार बैंड्स यहाँ पे है, तो नीचे का नजारा तो बहुत ही सुंदर है, पूरा दिख रहा है नीचे। अभी कौन सी सिटी है पता नहीं, लेकिन ये देखिए शार्प टर्न। बिस्किट ऐसे है नहीं, बंदर को देना नहीं चाहिए, जंगली बंदर है, देख लो बट डोंट फीड देम, हेवी बात है खिलाना नहीं। दो टू है, खोले, ए नहीं ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नो 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 नो, पिक्सी होती तो खोरिया लेती। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये है शायद तमिलनाडु आंध्र का बॉर्डर। Thank you.
सो अभी हम लोग अंबर से कम 10-15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। बिरयानी तो मिली नहीं, भयंकर गर्मी भी थी, इधर उधर देखा थे लेकिन कोई एक ढंग का रेस्टोरेंट नहीं था। हमने रुके नहीं, चल दिए और फिर मानवी को भूख भी लग गई थी। तो देखिए पोजीशन चेंज हो गया है, अभी मानवी की मम्मी की जगह पापा आ गए हैं। तो चलिए सीधे येलागिरी दाबते हैं। 12 कितना बज गया, अरे 2 बज गया है, तो 1:55 हो रहा है। तो शाम की चाय येलागिरी में ही होगी। लौटते हैं, थोड़ा वहाँ पर देख लेंगे, कुछ घूम लेंगे, शायद वहाँ पर लेक वेक है, बोटिंग अगर पल्लवी कहेगी तो बोटिंग भी किया जाएगा। ये तो अपना वो परशुराम कुंड वाला रास्ता याद आ गया। वही जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ सामने है, बस रोड वहां पर इतनी अच्छी नहीं थी। और तमिलनाडु की रोड्स तो इट्स ऑलवेज बेस्ट। हम लोग कोटागिरी भी गए थे, ऊटी साइड में, ऊटी में, हाँ मस्त रोड्स। सो मैं आगे आ गई, अभी पापा को फिर से पीछे कर दिया। तो फिर वेट करा कि मैं आगे आ गई, और अभी हम लोग येलागिरी का जो हिल वाला एरिया है वो क्लाइंब कर रहे हैं। और ये नीचे का नज़ारा देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है, इट्स जस्ट 14 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे 14 हेयरपिन बेंड्स है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 5 कवर कर चुके हैं। तो ये देखिए 10th हेयरपिन बेंड आउट ऑफ 14, और 4 है बस, पहुँच गए और मुश्किल से 5 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल मैप्स। ये हम लोग अभी येलागिरी टाउन में है, छोटा मोटा एक टाउन है, और यहाँ पे लेक है। सो हम लोग लेक की तरफ अभी जा रहे हैं, कुछ टेम्पल्स भी है और ट्रैकिंग पॉइंट कुछ कुछ है। सो लेक की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं लेक कैसा है। रहने खाने का भी बहुत सारा होटल्स है, लेकिन ये आप मान सकते हो कि डे ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर, ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3-4 आवर्स आपको लगेंगे अगर डायरेक्ट आते हैं, और अपना दिन बिता के जा सकते हैं। ये है बर्ड्स पार्क, क्या है, टर्की है, ऑस्ट्रिच अंदर है, डक है, मुर्गियाँ हैं। नियर बाई टूरिस्ट स्पॉट्स, मुर्गन टेम्पल है, फिर तिरुपथुर है, अंबर है, आसपास की जगहों का नाम लिखा। तो यही है येलागिरी का लेक, छोटू सा लेक है। यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा है, देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं। चलिए हम लोग तो बस देखने आए थे। बोटिंग नहीं करोगी? अब बोटिंग क्या करेंगे, बोटिंग है ना, वापस चलो। ये है लेक का मेन वाला साइड जहाँ पे एंट्री होता है। बच्चों के खेलने कूदने के, देखिए बच्चों का बोटिंग, छोटा सा स्विमिंग पूल का बोटिंग। हम लोग खाने के लिए रुके हैं होटल हिल्स, राइट, होटल हिल्स पे। तो यहाँ पे मनीष गाड़ी में है मानवी के साथ, मानवी आगे सीट पे है, तो बिरयानी खा रहे हैं।
पनीर और हम लोग खा रहे हैं फ्राइड राइस अंदर। मानवी की मम्मी तो अंदर खाना खा रही है अपने मम्मी पापा के साथ और फादर ऑन ड्यूटी है मानवी के लिए, है ना मानवी? तुम्हारे साथ हम बैठे हुए हैं और हम भी यहीं पर खा रहे हैं। सब मेरी बिरयानी आ गई है और तुम तब तक सो, राइट? जब बड़ी हो जाएगी तो साथ में खाएंगे मिलके। चीयर्स। हमारा फ्राइड राइस आ गया और यहाँ पे सब लोग एसएमईज हैं जितने भी सर्व करने वाले हैं। तो मम्मी एकदम आसाम का पूरा डिटेल्स निकाल रही है, कहाँ से हो, क्या हो। अले गुड मॉर्निंग लड़की, सुबह से सो रही हो, अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। सो बढ़िया खाना पीना खा के अब रिटर्न जर्नी। 4:12 हो रहा है शाम के और मानवी अभी भी सोई हुई है। कोई परेशानी नहीं कि अभी सुसु मतलब पॉटी किया तो उसका डायपर चेंज कर दिया है। और जहाँ पे हम लोगों ने खाया, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे जितने भी सर्व करने वाले लोग थे सब असम के थे, मतलब आई थिंक वो लोग फ्रेशर्स है, वो काजीरंगा से कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं, काजीरंगा कॉलेज से ट्रेनिंग लेके आए हैं और यहाँ पे एज अ जॉब कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ असम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के हैं, 4 या 6 लड़कियाँ हैं सब यहाँ पे यालागिरी में काम कर रहे हैं। तो उनसे बातें बातें क्या मम्मी ने डिटेल्स पूछा, बात किया, सो अच्छा लगा। खाना भी ओके ठीक था और अभी वापस जर्नी। तो नेक्स्ट अभी यहाँ से बैंगलोर इज 155 किलोमीटर, हमारे घर तक का 160 दिखा रहा है। अभी हम लोग होसूर होके जाएंगे, होसूर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो लेट्स सी, गूगल बता रहा है 3 hours 46 minutes, बट आज संडे है, ट्रैफिक मिलेगा होसूर साइड में, एक्सपेक्ट डिले। सो अभी गूगल के हिसाब से 8 बजे हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, कृष्णागिरी से जाएंगे। सो ऑलमोस्ट आज देखा जाए तो हम लोग का ऑलमोस्ट कितना 10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी में हो गया। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो टेस्टिंग में अभी तक तो सही है। मानवी पास हो गई, पूरे टाइम सो रही है। अरे बस तुम गाड़ी चलाते रहो, मैं सोता रहूंगा। अब इसको बढ़िया है, अगर ऐसे ही रहा तो फिर रायबरेली जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, आसाम जाने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं घूमने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर घर में रहने के लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर घर में पे शुरू हो जाएगा। सो यालागिरी ओके था, मतलब आप अगर किसी भी वीकेंड फ्री हो, इट्स अ डे ट्रिप काइंड ऑफ अ थिंग, तो आए अपना ड्राइव एंजॉय किए और फिर यहाँ पे खाना पीना खा के लेक में बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा लेक नहीं है, पर हाँ मतलब जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। एंड शाम के वक्त वापस। सो आपको टोटल मान के चलिए 10 घंटे में आप अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। सो रिटर्न जर्नी में ये देखिए व्यू पॉइंट है, क्या मस्त बढ़िया दिख रहा है। ये शायद अंबर वो होगा, अंबर टाउन, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं और कितने सारे बंदर है, बहुत बंदर है। साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि डोंट फीड मंकीज, बट लोग यहाँ पे मंकीज को खिला रहे हैं। अंबर कौन का नस्ल है? अंबर फोटो खींचने के लिए वे रुके हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू दिखा, गर्मी तो है लेकिन इतना ज़्यादा व्यू अच्छा है, तो हम लोग उतर के फोटो वोटो खींच रहे हैं। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है, गर्मी है लेकिन अभी और थोड़ा सा शाम होगी तो ठंड हो जाएगी मस्त। सो मेन हाईवे पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग कृष्णागिरी के तरफ मुड़ेंगे, सो राइट हैंड साइड टुवर्ड्स बेंगलुरु, 145 किलोमीटर बेंगलुरु। ये है मुंबई हाईवे,
सो यहाँ से अभी कृष्णागिरी पहले रीच करेंगे, उसके बाद हसूर और फिर बेंगलुरु। वंदे भारत जा रही है, जब लोग उस साइड से तो उस समय आते तो देखने अच्छा लगता है। अब इनका इवनिंग स्नैक्स हो रहा है। इवनिंग हाथ हटा, अरे हाथ हटा दो, थोड़ा गुस्से देख रही है इधर। इवनिंग स्नैक्स, अरे लड़की मजा आ रहा है बॉटल से पीने के लिए। इसका खाना है, बाउल करना है, बस बस है। और बॉटल से मजा आ रहा है, इनको बॉटल नहीं देते, ये पहली बार बॉटल ले रही है। या तो पलाडा फीडिंग और या फिर पल्ली पिलाती है सुबह से, ये कितना तीसरी बार पी रही है लेकिन बॉटल से इसको पीना आ रहा है। कौन स्वीट से पी गई भैया, कहाँ बल्ले तुम कहाँ पलाड़ा से पिला रही हो, बोतली से पिलाओ, देखो खटाखट तुम्हारा काम फिनिश, इजी हो जाता, इजी हो गया है कि नहीं, बस पॉटी करेगी वो साफ करना और इससे पलाडा पलाडा में बैठ बैठ के फीडिंग करो धीरे धीरे, कहीं डर लगता है कहीं लग जाए चोट। सैटिस्फाइड कैरी, बस सैटिस्फाइड, बस अब तुम आगे गाड़ी चलाओ, ज्यादा ना पूछो हमको सोने। बढ़िया पिचकारी मारी तुमने अम्मा के ऊपर, तुम्हारी ए, दो बिस्तरी लग गई है तुम्हारे धोने में। अभी देखो शांत है, मजा आ रहा है, इसको धूप भी पसंद आ रही है, देखो धूप भी आ रहा है, ये लेकिन गर्म भी लग रहा है, धूप पसंद आ रहा है, अभी धूप पसंद आ रहा है मुंह पे, अभी आंखें नहीं मींच रही है। ये तो नुहुम है, यार बिल्कुल फ्रेश। नानी याद आ गई तुमको? हमें क्यों याद आई? अच्छा तुम बिल्कुल घबरा गया, अरे जल्दी गाड़ी बंद करो, इधर आओ घूम के, पानी बेचारे का बिस्लरी से उसका धो दिया पीछे और उसमें ठंडा ठंडा बिस्लरी डाल दिया, वो भी कह रहे कभी गर्म। आज रात को मालिश करना पड़ेगा, अरे यार कोई ठंडी बिस्लरी से पिछवाड़ा धोता है, अरे मानवी जब बड़ी होगी तो बताएंगे इसको, तुम्हारी अम्मा ढंग से पॉटी भी नहीं साफ कर पाती है। भाई देखो गलती तुम्हारी थी, तुमने बोला कि डायपर खोल दो, खुला रखो, बस वो खुला रखने में फिर पिचकारी मार दी। अब मुझे ये नहीं पता कि पुराने जमाने में लोग लंगोट पहना के रखते कैसे थे, मैं मम्मी को यही पूछ रही थी कि कैसे रखा था बिना डायपर के। अरे वो सब तरीके थे है ना, ट्रैवलिंग में तुम्हारे लिए ठीक है, मैंने तुमको बोला कि वो जो पैड है इतना बड़ा उसको पूरा फुल खोल के तुमने छोटा करके डाल दिया, उसी फैल गया सब उसका। नहीं अगर लंबा भी डालते तो फैलता है। चलो कोई नहीं, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू राइट, अभी फर्स्ट टाइम है, आगे सीख जाओगी नेक्स्ट टाइम। तुम किस लिए हो, हम तो पकड़ने के लिए है, बस धोना तो तुम्हें ही है ना, सब मेरे हाथ में हो रहा था, सब पीला पीला और ये धो रही फटाफट फटाफट। हमने कहा धो नहीं, मतलब हाथ में डाल के धो रहे, अरे सीधे पानी डालो ऊपर से। और पानी डालने में ठंडा ठंडा पानी, एक महीना होने वाला है, प्रैक्टिकल तो हो रहा है अभी, ठीक है अभी सब पता चल जाएगा। अभी अभी ट्रैवलिंग में पहले पिक्सी, जो पिक्सी का पॉटी सुसु कराने का टेंशन, अब इसका भी है ना, तुम तो पिक्सी का पॉटी भी उठाते थे। अरे पिक्सी तो ठीक है ना, अब धुलवा तो रहे हैं तुम्हें। तो ये NH-44 है जो हमारा श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है, पुराना वाला NH-7 लिखा, लेकिन NH-7 है, NH-44 आज भी कोई नहीं कहता इसको। 43 या 44? 44 यहाँ बोलना है NH-44, लेकिन जो फ्लाईओवर था उस पे उधर लिखा हुआ था NH-7। अब नेक्स्ट फीडिंग के पहले घर पहुंचा दो, दिखा रहा है 2 hours 30 minutes। सो
अभी बहुत जोर से नींद आ रही थी तो अभी रुके हैं। श्री ने भी वैभवा वेज रेस्टोरेंट पे तो चाय बोला है, ये हसूर के आगे है। अब यहाँ से हम लोग अंदर वाला रोड ले लेंगे, एत्तीवेले वाला, क्योंकि पास दिखा रहा नहीं तो सिल्क बोर्ड में फंस जाएंगे, तो उसी हम लोग अंदर अंदर से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वो अंदर वाला रास्ता सुनसान होगा। कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं, तुम हो तो यूपी वाले हो भाई तुम। यूपी वाला क्या करेगा? यूपी वाला दम दिखा देना। दम क्या दिखा, हम लोग ऐसे करते हैं। वाले 9 बज गया, मानवी भी उठ गई है और हम लोग भी बिरयानी जोन के पास है, बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। सो बिरयानी पैक कराते हैं हमारे लिए और मानवी का डिनर तय हो रहा है। जो पिक्सी भी भूखे हैं, मेन तो जो पिक्सी के लिए खाना लेना है तो उनके लिए पूरा एक फैमिली पैक हैदराबादी दम बिरयानी मंगा लिए, पापा के लिए फ्राइड राइस, पल्लवी और मम्मी कुछ खाएंगी नहीं और हमने अपने लिए लिया तंदूरी चिकन। खाएंगे नहीं मतलब? तुम्हें तो बोला कि हम खिचड़ी बनाएंगे अपने लिए, तो पिक्सी जो के खाने में भांजी मारोगी तुम, पेट खराब हो जाएगा ना उनका। अरे वो लोग खा लेते हैं जो खा लेता पूरा। सो बस पहुंच गए हैं और मान भी एकदम 12 घंटा गाड़ी में और अभी थोड़ा सा परेशान करने लगी लेकिन अभी फिर से सो रही है, तो पहुंचते हैं घर, उसको थोड़ा सा स्पंज बात करा देंगे, मालिश वालिश कर देंगे और फिर सो जाएगी, आराम मिलेगा। बैग में घुसे घुसे उसको भी थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा होगा, तो बस हाँ आज 12 आवर्स का टेस्ट पास हुआ है ऑलमोस्ट, है ना? पहुंच गए 12 घंटा अगर आज रह पाइए तो गोवा के लिए भी रह लेंगे। हम लोग गोवा जा रहे हैं। यस, तो हम लोग जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं गोवा नेक्स्ट वीक सैटरडे को, तो 600 किलोमीटर एंड 12 घंटा तो लगेगा ही। सो आज ट्रायल रन था, होपफुली आज तो ठीक रही, लास्ट में थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी लेकिन ओवरऑल ठीक रही, है ना? तो ये अब समझ में आ गया इनको, जैसे इतने ट्रिप के लिए 300-400 किलोमीटर के लिए 4 बोतल लगी तो 600 के लिए 6 बोतल लगेगी, हर 100 किलोमीटर में 1 बोतल। नहीं नहीं, टाइम के हिसाब से होता है ना, टाइम के हिसाब से होता है ना। अब फिर सो गई तो वो देखो मुंह चला रही है, कह रही मुझे पैसिफायर चाहिए भाई। तो घर आ गए, इस तरफ से गए थे इस तरफ से आ गए, हाँ पूरा एक बढ़िया राउंड ट्रिप। सो हम लोग ने 350 किलोमीटर कवर किया है आज पूरे ट्रिप में, यहाँ से निकले घर से कोलार होते हुए और फिर यालागिरी अम्बूर क्रॉस करके और फिर यालागिरी से लौट के कृष्णागिरी होसूर होते हुए वापस घर। सो अच्छा रहा ट्रिप। सो अभी घर चलते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पैन करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।